भारतीय शक्ति चेतना पार्टी धमतरी ने गौ अभ्यारण्य बनाने और गौ माताओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सहित देश में गौ माताओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इसके साथ ही गायों को कत्ल खाना में काटा जा रहा है। गौ माता को परेशानी बहुत हो रही है, आज गुजर खाने में पूरे कट रहे हैं, उसके मांस बिक्री हो रही है। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म मानने वाले हैं, तो हमारी गौ माता है और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी हत्या होते हम देख नहीं सकते। इसलिए आज हम शासन प्रशासन में मांग कर रहे हैं कि हमारी गौ माता की रक्षा हो। छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से गांव-गांव में गौठान का निर्माण कराया है, न तो वहां कोई चारा की व्यवस्था है, न तो पानी की व्यवस्था है, और जिससे कई ऐसे जानवर है जो मृत के सैया पे जा रहे हैं। और इसीलिए हमारे शक्ति पुत्र महाराज ने भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गौ अभ्यारण्य के संबंध में हम सब प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए सब एकत्रित हुए हैं।